करते हुए एक तरफ सुर्खियों पर रहेगी। आसमानी जर्सी के साथ जिस टीम को आप देख रहे हैं केबीएफसी भोपाली, सब पहले हाफ पर पश्चिमी तरफ से यानी कि मध्य बाएं ओर से दाएं ओर आक्रमण करेगी। बच्चन लोगों के अंदर यहां पर मौका, शॉट सही नहीं। महावीर संदेशा यहां पर भेज दिए हैं, महावीर के आशीर्वाद के साथ महावीर स्पोर्टिंग संबलपुर की टीम नारंगी और रेडियम कलर की जर्सी के साथ पहले हाफ पर मैदान की दाएं ओर से यानी कि मैदान की पूर्वी तरफ से पश्चिमी तरफ की ओर आक्रमण करेंगे और इस मैच को सीधा प्रसारण करने के लिए हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल एमआरपी स्पोर्ट्स मौजूद हो चुके हैं, उनको भी काफी सारे धन्यवाद। और सब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पहले मैच से लेकर एग्नेश बारा, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। एक तरफ राउरकेला के साथ साथ ओडिशा के कई सारे चुनिंदे खिलाड़ी जिनके भीड़ पर है इस वक्त की सबसे पसंदीदा खिलाड़ी राहुल मुखी, अरविंद तिर्की, चंदन बापूली बिंधानी, ऐसे कई सारे नाम। और दूसरी ओर से भी आलोक ओराम जैसे खिलाड़ी, वीर ओराम जैसे खिलाड़ी और भारत जैसे खिलाड़ी, बेहद ही दिलचस्प मुकाबला, आंखों की पलक अब पका नहीं पाएंगे इस मैच के दौरान। और इस मैच को आगे लेने के लिए राउरकेला निवासी इस्पात नगरी की युवा परिचालक एक बेहतरीन क्रॉस, दो मरतबा अभी तक आक्रमण महावीर एफसी की ओर से देखना होगा। लाजवाब खेल निश्चित तौर पर, थ्रो इन केबीएफसी भोपाली अरविंद टीम की कप्तान, बढ़िया कंट्रोल, एक खिलाड़ी को चकमा दिए और क्रॉस पास, हालांकि दिशा सही नहीं था, उसके बावजूद लंबे दौड़ के साथ राइट के डिफेंडर ने गेंद को अपने कंट्रोल पर किया और दिखाई डालते हुए ऑन द लाइन प्ले नंबर 56 बापूरी मिनाड़ी यहां पर सेंटर फॉरवर्ड के, ये सेंटर फॉरवर्ड सब तक संभाल पाते अपने आप को, कोई ग्रीस किए थे महावीर स्पोर्टिंग की ओर से, क्या तेज फुटबॉल देखने को मिल रहा है। और बातों पर कहा जाता है अगर आगाज अच्छी हो, आरंभ अच्छी हो तो अंजाम हसीन हो जाता है। चंदन जो एक बेहतरीन मिडफील्डर इस वक्त जूझते हुए जर्सी नंबर 12 के साथ, महावीर टू गोल देना चाहते थे, सही इंटरसेप्ट, केबीएफसी भोपाली इस वक्त अपनी टीम का एक बेहतरीन खिलाड़ी डिफेंडर गेंद को जब तक कंट्रोल कर पाते हैं। और इस मैच के लिए, खास करके इस मैच के लिए कबरीमहल सरपंच, कबरीमहल की सरपंच जी ने घोषणा कर दिए हैं हर एक गोल के लिए, प्रत्येक गोल के लिए 100 नगद राशि, दोनों ही टीम के खिलाड़ी अगर ये कारनामा कर पाएंगे उसी क्रम पर पहला कर्नर या पराजित करता हुआ भोपाली केबीएफसी दाएं फ्लैंक से कर्नर लेने के लिए बापूनी बिंधानी राइट फ्रंट प्लेयर, प्रभावशाली कर्नर नहीं, खलबली मची हुई थी, लंबा क्लियरेंस हवा पर हेड के माध्यम से दो खिलाड़ी जूझते हुए, हालांकि जीत होती हुई एक बार फिर बापूनी बिंधानी साथ थ्रो इन, बॉबी विंस जो है कि उभरते हुए खिलाड़ी थ्रो इन लिए थे और एक बार फिर उन्होंने लगातार बैक टू बैक थ्रो इन, बापूनी एक बार फिर बढ़िया कंट्रोल, दाएं शॉट से ज्यादा समय गेंद को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश केबीएफसी की तरफ से, हालांकि अभी तक सफलता मिली नहीं। थ्रो इन इस वक्त महावीर स्पोर्टिंग संबलपुर के पक्ष पर, दो मरतबा आक्रमण संबलपुर की ओर से और एक बार आक्रमण हुई है भोपाली की ओर से, रोमांच शिखर पर
अंतिम टच निश्चित तौर पर अरविंद तिर्की की थ्रोई ने कर दी महावीर स्पोर्टिंग के नाम अच्छी थ्रो दर्शन नंबर डबल टू यॉर्कर अजय खड़िया क्रॉस पास करना चाहते थे एक लंबा चेस भोपाली के खिलाड़ी के द्वारा और अभी तक को सफल भी रहे हैं एक वॉल पास चंदन के लिए चंदन जब तक लंबी बॉल दे पाते रिफ्लेक्शन हुई और खाली जगह पर बिल्कुल लेफ्ट आउट के डिफेंडर चलिए मेरे साथ जुड़ेंगे रोबिन कमेंट्री के साथ संतनु काफी लाजवाब मैच है अब बिल्कुल बड़े भाई कहीं ना कहीं इनाम की बोझ होता हुआ इस मुकाबला के लिए जो भी पहला स्कोर लगाएंगे कि दोनों टीम के खिलाड़ियों में से उनके लिए 100 रुपया के इनाम है राशियां घोषणा किए हैं सरपंच जी ने और एक घोरो जी ये बता दूं ये फाइनल नहीं लेकिन किसी भी फाइनल से कम नहीं दोनों दिग्गज टीम एक तरफ से तो दूसरा वो बॉक्सरों के बीच खुद ये पहला चक्र की अंतिम मुकाबला जो जीता वो सके अंदर कहीं ना कहीं इस बार टीम महावीर एफसी ऑन टारगेट लेने की तैयारी टारगेट पर लेने की तैयारी थी इंटेंशन सही थी लेकिन यह टारगेट पर अगर कामयाब नहीं हो पाए हैं एक युवा खिलाड़ी नाम का अतिरिक्त बोल धन्यवाद समिति मेंबर को बिल्कुल आपने सही जिक्र किए थे सांसरों यहां पर गोलकीपर बापी एक अनुभवी गोलकीपर है और ओडिशा फुटबॉल पर उनकी भी काफी नाम है और उन्होंने बिल्कुल अपने 7.32 और 2.44 गोल पोस्ट को सुरक्षा दिए थे ये तीसरा आक्रमण सही मायने में कहा जाए तो महावीर स्पोर्टिंग की ओर से बिल्कुल प्रभावित रहा महावीर जिसने 12 करोड़ तो गेंद लिए दो खिलाड़ी को ओवर को देते हैं लेकिन यहां प्ले ऑन की इंडिकेटर तो इस तरह रेफरी आलोक सिंह इस बार राहुल मुखी 10 नंबर 11 नाम काफी बड़ा है लेकिन आज नाम के साथ साथ काम करना होगा इनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी है ओहो हो बेहतरीन तरीके से गेंद को निकालना चाहते थे लेकिन सटीक प्लेसमेंट नहीं बॉल पोजिशन के साथ ही पुनः राहुल मुखी की जीत होता हुआ कदमों तले गेंद लिए आगे बढ़ना चाहते थे लेकिन इस बार महावीर एफसी ने स्वाभाविक हमला करने की पूरी तरह ठान लिया है इस टीम ने इसीलिए तो ये टीम और समझ देते हैं ओपोनेंट टीम की अगर बात किया जाए टीमें कभी एफसी की कहीं सारे नाम चिन्ह खिलाड़ी आर्मी की बात किया जाए राहुल मुखी की बात किया जाए लेकिन यहाँ महावीर एफसी ने यह साफ कर दिया है कि हमसे जमाना जमाने से हम नहीं अरे हमसे जमाना जमाने से हम नहीं तुम अपने आप को कुछ भी समझो और हम भी किसी से कम नहीं अरे हम भी किसी से कम नहीं जी हाँ बिल्कुल अलग अलग समीकरण के साथ दोनों टीम खेलते हुए केबीएफसी भोपाली तीन तीन दो एक के स्ट्रेटेजी के साथ और उनके खिलाफ विपक्षी दल महावीर स्पोर्टिंग संबलपुर 4-3-2-1 के साथ यानी कि अपने अपने स्थान पर अगर इतिहास के पन्नों पर हम खंगाल कर देखेंगे ये टीम अपने अपने जगह पर सिंहासन पर बैठ चुके हैं शिखर छू चुके हैं पर क्या उसमी के मैदान पर एक बार फिर अपने आप को शिखर पर देख पाएंगे क्या उड़ान भर पाएंगे ये देखना बाकी कोशिश की बोल जारी है तीन मरतबा आक्रमण हो चुकी है महावीर की ओर से और केबीएफसी भोपाली अभी तक योजनाबद्ध के रूप से और एक मरतबा थ्रू बॉल बापुली बिंधारी के लिए बापुली यहाँ पर गेंद तो आ चुके हैं क्या कंट्रोल कर पाएंगे जी हाँ बिल्कुल गेंद उनके साथ और उन्होंने होल्ड अप प्ले किया उनका समय गोभी के लिए गोभी एक बार फिर लंबा प्रहार राहुल की दिशा पर राहुल यहाँ पर चेस्ट डाउन किए हैं मौका जरूर इन सभी को पेनल्टी जोन संदन के द्वारा शॉट आई बहुत किया गया अभी भी बॉल पोजीशन केबीएफसी के पास हल्का सा माइनस अरविंद जो फ्री किक स्पेशलिस्ट लंबा को प्रहार किए जाने जाते हैं लेकिन इस बार नहीं गेंद जा चुकी है गोल रेखा से बाहर बिल्कुल बड़े भाई आपने सही बयां किए हैं इतिहास गवाह है तौर पर दोनों की टीम और बड़े बड़े काम भी कर चुके हैं लेकिन वो इतिहास बन चुका है आज करेंगे इस मुकाबला में स्वागत जाएंगे क्योंकि पहले भी जिक्र कर दिए हैं कि नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट यानी और एक मैच या सोमवार टीमों के लेकर मैच इस बार महावीर जो कि केवल दो तीसरे अटैक की तैयारी करता हुआ छोटे छोटे वॉल बनवाता हुआ वॉल काफी बढ़िया तरीके से बनवाए हैं मिड लाइन के काफी नजदीक से मिडफील्डर के लिए गेंद को निकालना चाहते थे और डिफ्लेक्शन हुई गेंद अंतिम वक्त पर अगर देखें बहुत पोजीशन के साथ ही पुराड़ में लंबी पास राहुल मुखी को असिस्ट करते हुए और ये राहुल मुखी प्लेस करना चाहते थे टारगेट पर और इसी के साथ ऑफसाइड भी निर्णय आता हुआ और एवरी ऑफसाइड में जाइन डायरेक्ट की डिपेंडिंग टीम को कहीं ना कहीं देखें पिन डायरेक्ट की अवसर मिलता हुआ टीम महावीर एफसी के लिए निश्चित तौर पर न
एक टीम सॉरी दियो तो लगातार आक्रमण कर रही है और एक मर्तबाजा पर ऑफसाइड के संकेत। और ये बता दूं साथियों कि आप क्या कर चुके हैं ये इतिहास है, आज क्या करेंगे और इतिहास के पन्ने पर लिखा जाएगा। ये दोनों टीम बिल्कुल आज के फेवरेट टीमों में से एक है, पर एक को तो वापस जाना होगा, एक इस टूर्नामेंट से विदा लेंगे और कौन सा टीम होगी। हाँ कमाल की बोल, यहाँ पर मैं क्या बात करूं, मुकेश खड़िया जी अनुभव इंडिपेंडर जर्सी नंबर 7 के किरदार पर महावीर स्पोर्टिंग की ओर से, जिनके पास लगभग 15 सालों की तजुर्बा, आज तजुर्बा को निचोड़ कर देते हुए अपने टीम के लिए 15 नंबर बाइक से महावीर स्पोर्टिंग इन सभी को बदल दे दिया। अच्छी क्या मीठी पास मीठी क्रॉस क्रॉस कर दिया गया और बिल्कुल हम पहरा दे रहे थे मोहम्मद स्पोर्टिंग स्ट्राइकर, उन्होंने